दोस्तों अगर आप एक नया फ़ोन लेना चाहते हैं, अगर आपका बजट 12,000 से कम है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक से बढ़ के एक स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 6 स्मार्टफोन लेके आया हूँ। पहले बताएंगे 6ठे नंबर की स्मार्टफोन और लास्ट में बताएंगे पहले नंबर की स्मार्टफोन। अगर आपको अच्छी स्मार्टफोन लेनी है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों पहले नंबर 6ठे नंबर पे जो मैं स्मार्टफोन रखा हूँ उसका नाम है रेडमी 9 प्राइम। इस फोन में आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाता है और इस फोन में आपको मीडियाटेक हेलियो G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और इसके साथ आपको 13 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा और इस फोन का प्राइस आपको 12,000 तक हो सकता है। अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप कम रैम रेट वाला ले सकते हैं जिसका दाम 10,000 है। अगर आप 12,000 तक जाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, इससे भी अच्छी फ़ोन मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों इसके बाद जो मैं दूसरे 5वें नंबर पे जो स्मार्टफोन रखा हूँ उसका नाम है पोको M2। ये रेडमी 9 प्राइम ही जैसा स्मार्टफोन है, ये भी आप ले सकते हैं। खाली इसमें 12,000 में आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज लगा हुआ मिलता है, बाकी स्पेक्स इसमें सेम है। दोस्तों इसके बाद मैं 3रे नंबर पे जो स्मार्टफोन रखा हूँ उसका नाम है Realme Narzo 10। दोस्तों वैसे तो अभी Realme Narzo 20 भी आ चुका है लेकिन ये भी फ़ोन अभी मार्केट में उपलब्ध है, ये भी फ़ोन आप ले सकते हैं। इस फ़ोन में आपको 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाता है जो कि फुल HD रहता तो अच्छा होता और इसके साथ आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर और इसके साथ आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और इसके साथ आपको फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। इसका भी प्राइस आपको 11,500 रुपया पड़ता है और ये भी फ़ोन आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वह है Narzo 20। तो इस फ़ोन में भी आपको 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाता है लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट रियलमी को करना चाहिए था, इसमें फुल HD प्लस देता तो अच्छा होता। और इसके साथ इस फ़ोन में इम्प्रूवमेंट में आपको 6000mAh की बैटरी लगी हुई मिल जाएगी जो 18W के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और इसके साथ आपको इस फ़ोन में MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर और इसके साथ आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है और इसके साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फ़ोन में लगा हुआ मिल जाता है। ये भी फ़ोन आप ले सकते हैं, ये भी 12,000 के प्राइस रेंज में आ जाता है। और इसके साथ इसके बाद मैं जो दूसरे नंबर पे फ़ोन रखा हूँ उस फ़ोन का नाम है Infinix Note 7। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो ये फ़ोन के तरफ भी आप जा सकते हैं जिसमें कि आपको 6.9 इंच की HD प्लस डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाता जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले रहता तो काफ़ी मज़ा आ सकता था। और इस फ़ोन में आपको MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर जो कि एवरेज ठीक ठाक प्रोसेसर है और इसके साथ आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इस फ़ोन में आपको 5000mAh की बैटरी लगी हुई मिल जाती है 18W के फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन आता है। ये भी आप ले सकते हैं, अगर आपको बड़ी डिस्प्ले का मन है तो ये फ़ोन भी आप इस फ़ोन के तरफ भी आप जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो पहले नंबर पे जो मैं स्मार्टफोन रखा हूँ उसका नाम है Redmi Note 9। ये भी फ़ोन आप ले सकते हैं, काफ़ी कमाल का फ़ोन है। इस फ़ोन में आपको 6.5 इंच की HD फुल HD प्लस डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाता है जो कि एक डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है और इसके साथ आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर और इसके साथ आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और इस 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा और इसके साथ आपको 5000mAh की बैटरी, 22W का फास्ट चार्जिंग और इस फ़ोन का भी प्राइस आपको 12,000 तक इस फ़ोन का भी प्राइस है। ये भी फ़ोन के तरफ आप भी जा सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप 7 तारीख तक रुक सकते हैं तो 7 तारीख को रियलमी का एक और नया फ़ोन रियलमी 7i भी लॉन्च होने वाला है जिसमें कि आपको 90 GHz के रिफ्रेश रेट के साथ इस फ़ोन में आपको डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाता है और इसके साथ आपको 6000mAh की बैटरी और ये भी फ़ोन आपको काफ़ी कमाल का हो सकता है। अगर आप रुक सकते हैं तो इस फ़ोन का भी प्राइस आपको 12,000 के अंदर होगा। तो ये भी फ़ोन आप इस फ़ोन के तरफ भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। आपको ये फ़ोन का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और आपको इस फ़ोन इस सब में से कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है इसके बारे में भी आप कमेंट में बताइए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।